अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ख्वाब में रोने से मुताल्लिक 6 ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें मैं पेश करने वाला हूँ। ख्वाब और ताबीर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए ख्वाब और ताबीर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला ख्वाब है आंसुओं के साथ ख्वाब में रोना। किसी ने देखा कि उसके आंसू टपा टप टपक रहे हैं और वो रो रहा है आंसुओं के साथ, तो इसकी ताबीर ये है कि दीन और दुनिया की नेमतों से ख्वाब देखने वाला मालामाल होगा। यानी ये ख्वाब दीनी एतबार से भी अच्छा है और दुनियावी एतबार से भी अच्छा है। दीन और दुनिया दोनों एतबार से खुशखबरी और खुशी का और सआदत का जरिया है ये ख्वाब। रोना आंसुओं के साथ अच्छा ख्वाब है। नंबर दो, बगैर आंसुओं के रोना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को रो तो रहा है, वो रोते हुए देखा है लेकिन उसके आंसू नहीं आ रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार होगा और इसको किसी रंज और गम की खबर मिलेगी। यानी ये ख्वाब अच्छा नहीं है, पहले वाला अच्छा था। जब अच्छा ख्वाब देखें तो उस अच्छे ख्वाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसलिए कि कुरान के बयान के मुताबिक अच्छे ख्वाब नेमतें हैं और नेमतें कुरान के बयान के मुताबिक शुक्र अदा करने से बढ़ती हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो बढ़ा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। और जब बुरा ख्वाब देखें तो बुरा ख्वाब देखने पर तीन काम करें, पहले अल्लाह से खैर आफियत मांगें और दूसरा काम ख्वाब की जानिब से सदका कर लें और तीसरा किसी से वो बयान ना करें। जब तक आप उस ख्वाब को बयान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह उसका असर वाकई नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। नंबर तीन, रोने से चेहरे पर निशान पड़ जाना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो रो रहा है और रोने से चेहरे पर निशान पड़ गए, तो इसकी ताबीर ये है ख्वाब देखने वाले को किसी नेक और अच्छे काम की वजह से ताने सुनने पड़ेंगे। किसी नेकी और भलाई और खैर की वजह से लोगों के जुमले और ताने और सुनने पड़ेंगे, लोगों का तंज सुनना पड़ेगा, लोगों की जानिब से गलत कमेंट्स सुनने पड़ेंगे। जबकि आपने खैर की, आपने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन आप अच्छा काम करने के बाद लोगों के कमेंट्स और ताने और तंज का की कोई फिक्र ना करें, अल्लाह आपको देख रहा है, अच्छा ख्वाब है। नंबर चार, कुरान पढ़ते हुए रोना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ते हुए रोते हुए देखा कि वो कुरान पढ़ रहा है और रोने लगा, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह की जानिब से ख्वाब देखने वाले के साथ खुसूसी करम इनाम और फजल का मामला होगा और ऐसे ही अल्लाह ताला उस ख्वाब देखने वाले के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। ये इस ख्वाब में खुशखबरी छिपी हुई है, अच्छा ख्वाब है। ये भी अल्लाह मुबारक करे जो इस तरीके का ख्वाब देखे। ख्वाब में रोना और हंसना, किसी ने देखा कि वो पहले ख्वाब में रोया फिर अचानक हंसने लगा और उसका ये दोनों का सिलसिला चल रहा है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाले के आखिरी वक्त की दलील है, ख्वाब देखने वाले की मौत के करीब होने की निशानी है। ताबीर इसकी यही है। बाकी मैं अल्लाह से सब के लिए, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर आफियत की दुआ करता हूँ। अल्लाह सब के साथ अपने फजल का, आफियत और इनाम का मामला फरमाए। नंबर छः, चिल्ला चिल्ला कर रोना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है बहुत तेज आवाज के साथ, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला मुसीबत और तकलीफ में सब्र नहीं करता बल्कि बेयार मददगार हो जाता है और एकदम आपे से बाहर हो जाता है। और सब्र न करना ये मोमिनीन की सिफत नहीं है।
مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ پریشانیوں اور آسانیوں کو دونوں کو اللہ کی جانب سے جانے, آسانی آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پریشانی آئیں تو صبر کا اظہار کرے اور اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگے. اب ایک آدمی رو رہا ہے چلا چلا کر, تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا. صبر کا دامن چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. دوستو اس کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ 6 خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں. آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خوشخبری اور ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس. فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں. آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے گا, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں. پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے, انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی. دعاؤں کی درخواست ہے, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.